करेगा नहीं 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 ले पकड़ इसको पकड़ देखना जय बजरंग बली शुम शुम देखा हिल गया पूरा शुम देख गड्ढा हो गया इतना अंदर हाँ मेरे में तो हो गई हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल तो अभी हो गई गुड मॉर्निंग हम लोग पी रहे हैं चाय नहीं मैंने तो पी ली है नीचे ही रह गई है और हमारे पतिदेव और बच्चे इन सब की चाय हो गई है और मेरे दोनों भाई गए हैं कोचिंग ट्यूशन गए हैं और इसके पापा उनके बाल कटिंग कराने गए हैं अभी नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो बस आज हमारा बन रहा है संडे व्लॉग तो हम आपको आज संडे व्लॉग दिखाते हैं ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है संडे का अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट जैसे कि आप देख रहे हैं तो जल्दी से कर लो हमको और भी अपना काम कर तो ये हमारा ऊपर का हॉल है ये बच्चों का स्टडी रूम है पूरा देखो आप ना बच्चे ऐसे ही खिलाते रहते हैं और ये निशी लेटी हुई है ये नीचे बालकनी की सफाई करवा रही थी पापा के साथ अपने थक गई है तो ये यहाँ पे मेरी जो जिठाई का बेटा सूरज मेरे साथ रहता है ये वो पढ़ता है यहाँ पे ये उसकी सारी बुक्स स्टिकर उसके चिपके हैं अभी वो कोचिंग गया है उसने कोचिंग ले रखी UPSC की तैयारी कर रहा है वो और अक्टूबर तो उसकी कोचिंग है और तब तक यहीं पे पढ़ेगा हमारे साथ और ये भी स्टिकर उसके चिपके हुए हैं उसके बाद नहीं हाँ फिर उसके बाद इसका फिर उसके बाद इसकी स्टडी टेबल यहाँ पे आ जाएगी फिर इसका राज हो जाएगा और मुझे तो कमरे की सफाई करनी है बस मैं तो यहाँ पे सफाई करने के लिए आई थी ये लोग तो बस फैलाते रहते हैं झाड़ू पोछा मुझे ही करना पड़ता है और इस रूम में ये वाली स्टडी टेबल मेरे बेटे की है वो भी 10th क्लास में ही है तभी उसकी ज़्यादा बुक्स नहीं है वो तो अपने बैग में ही रखता है अपनी बुक्स वगैरह वो भी अभी नीचे है और यहाँ पे इन लोगों ने ये बॉक्सिंग क्या बोलते हैं इसको नीचे पंचिंग बैग भी लगा रखा है कभी कभार मैं भी इसमें मार देती हूँ देखो डोले सोले मेरे भी बन रहे हैं मोटापा है डोले सोले है देख एक मुक्का मार के दिखा हाँ दिखा तेरे डले साले दिखा मेरे ओ भैया भैया भाई अब मेरे देख ये बॉडी देखो अब देखना किसकी मुलाकात लग रही है मैं तो ही मार रही ओ ओ गड्ढा हो गया उसके अंदर गड्ढा हो गया अरे बस 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 चलो तो अभी कर रही है मम्मी यहाँ पे सफाई हाँ मैं सफाई कर लूँ नहीं तो क्योंकि हम लोग बहुत फैल लोग ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा सारा क्योंकि हम लोग बहुत फैलाते हैं आपको थोड़ा 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 दिखाऊंगी मैं सारा हेलो तो ये है हॉल की पहले जो जीने पे मेरा कमरा आता है तो ये भगवान जी और मेरा कमरा तो आ जाओ भगवान जी और मेरा कमरा मेरे भगवान जी नहीं है क्या ये हमारे यहाँ पे हमारा मंदिर है ये हमने लकड़ी का मंदिर ये खुद घर पे बनवाया है लकड़ी मतलब कारपेंटर को बुलवा के घर पे ही क्योंकि हमें बहुत सारे भगवान थे हमारे घर में सारे भगवानों का अच्छे से बिठाना था तो हमने ये घर पे ही बनवाया अपना अपनी पसंद से इस तरह से नीचे इसमें दो रैक भी लगे हुए हैं सारा सामान भगवान जी का इसमें रख दें
और ये लाइट में सदर बाजार से लेके आई थी दोस्तों, ये लाइट इतनी अच्छी निकली है, बहुत अच्छी लाइट है, वो बहुत सुंदर लगती है फ्लावर्स। बट इनको और बंद कर दो, 3-4 साल से कंटिन्यू चल रही है, इनको बंद कर दो तो फिर बहुत गंदा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है ऐसे कर रहे पर, और है ना ये 3-4 साल से कंटिन्यू चलती है, कभी कभार तो हम दिन भर इसको बंद करना करते भी नहीं है तो भी चल रही है कंटिन्यू, बहुत अच्छी लाइट निकली है। और ये पीछे पीछे ये नीची यहाँ पे लेट जाती है, पढ़ लेती है, यहाँ पे नीची की टेबल है बेचारी कोने में पड़ी हुई यहीं पे, निशी यहीं पे बैठ के पढ़ती है। मेरा एक टेडी भी यहाँ पे, ये स्टडी रूम इसका है निशी का। मेरा यहाँ पे एक टेडी भी रखा है, इसमें मेरी बचपन की फोटो है। ये अपने रूम को इस तरह से, ये देखना इसने क्या क्या चिपका रखे हैं, ये बहुत से इसमें भी स्टिकर अच्छे चिपका रखे हैं, ये खुद ही बनाए हैं इसने सारे। स्कूल में बनवाते हैं एक्टिविटी, हॉलीडे होमवर्क में बनवाते हैं सारा, तो ये बनाती मेरी बेटी। मेरी बेटी बहुत होशियार है, अच्छी ड्राइंग करती है, इसकी ड्राइंग वाली वीडियो भी डालूंगी मैं, इसने बहुत सारी ड्राइंग बना रखी है। और तो चलो अब चलते हैं, इस कमरे की भी सफाई कर लूँ मैं, फिर आज से पितृपक्ष यानी करे दिन जो लग रहे हैं हमारे पूर्वजों के, तो अभी भगवान नहाते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं, अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं, उनको जरूर याद करना चाहिए, तो आज से वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं जल्दी से सफाई कर लूँ फिर। ऊपर कपड़े भी सुखा देते हैं, ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़े। और यहाँ पे रखी मेरी स्कूटी, ये मेरी लाली स्कूटी है, और साइकिल मेरे बेटे की, यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी रहती है, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं बचती खड़े होने की, बस जरा सी जगह में निकलते हैं हम लोग मुँह धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। ये वॉश बेसिन यहीं शीशा लगा हुआ है, छोटा सा घर है हमारा, ज़्यादा बड़ा घर नहीं। और ये ऊपर सीढ़ी जा रही हैं, और ये हमारे सुपुत्र साहब कॉमेडियन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ? नहीं कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ऐसा कैसे हो गया? तेरी झलक सी मिल रही। और ये आ गए हमारे पति देव, क्या तीर मार, इससे हम पानी दे दें, क्या तीर मार के आ रहे हैं वहाँ? कोनो भी बुलाई करके आ रहा हूँ। अच्छा, और बगीचा साफ कर दिया? और क्या चाह रही हो? मतलब बस खाना वाना बना लूँ और क्या है ना, हमारा गलाई लगा दूँ और बस, है ना। बेचारे पति, बेचारे पति थे, बेचारी माँ नहीं आती कभी समझ में, नहीं शकल देख के लगता है इनकी बेचारे ये लोग। और नहीं तो ये देखो, ये हुलिया हुलिया किसका, हुलिया किसका, माली जैसा वो तो जानबूझ के घूमते रहते माली की तरह, हवा लगती रहे। निशी जिद कर रही नहीं चाहिए बाल कटवाने, कटिंग करवाने, यानी इतने अच्छे तो बाल हैं, कटिंग क्यों करवानी आपको? गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, मुझे नहीं लगती, मेरे को बांध के रखती हूँ जुड़ा। शिवम गया कटिंग कराने, चलो गेट बंद कर दे। ये क्या है, ये चिपक के तो रह गया गेट में? नहीं मेरा चाचा लग रहा है, इसको पैसे भी तो देने, आधे रास्ते जाने के बाद आए पैसे भी तो लेके आने। खाना बना लें, खाने का टाइम हो गया है। वैसे एक बार मैं सुबह तो बना चुकी हूँ, सुबह मैंने ना सुबह ज़्यादा कोचिंग तो पराठे और ये प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, खत्म हो गई, ये बनाई थी और पराठे बनाए थे, सबका नाश्ता हो गया। अब मैं बना रही हूँ आलू पालक, और वो जो पीस के पालक, आलू पालक बनाते हैं ना, पनीर भी बनाते हैं, आपके पास पनीर नहीं है तो आलू पालक बना लें, तो उसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बाद में डालूंगी, आप उस वीडियो को देखना। अभी चलो खाना बना लेते हैं, फिर भूख लग रही है। और निशी ने मंगवा ली अपने भैया से सेक, मैंगो सेक, वो ट्यूशन गया था तो उसने सेक किया था, इसके लिए भी लेके आया, मैंगो सेक की पड़ी है ना।
संडे बढ़िया फंडे हो रहा है तुम्हारा तो है। कल एग्जाम डे भी है। कल एग्जाम डे है, वो तो बैड डे है। बैड डे नहीं है, तैयारी है। मुझे कैसे खा रही हो बेटा? तो दोस्तों अब हम लोग खा रहे हैं खाना, हमारा लंच स्टार्ट हो गया है। शिवम क्या कर रहा है? मुझेरा खाना खा रहे हैं हम लोग। हमने बनाई आलू पालक की सब्जी, निशी ने मिल ली है उसमें, बढ़िया मिक्स करके खा रही है अच्छे से। चलो तो खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं। नहीं नहीं आप बात करते करते करो। नहीं नहीं बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं बाद में कर लेंगे। तो दोस्तों एक लंबे ब्रेक के बाद हम लोग सो गए थे, अभी थोड़ी देर आराम कर रहे थे, बातें करते करते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। और मिशी ये देखना चाय बना के लेके आई है, आज मिशी चाय बना के लेके आई, तो मेरे लिए अपने पापा के लिए, पापा इसके पीने से ले गए और मिशी पी रही है, ठंडी करके पी रही है ना। सही पकड़ है, सही पकड़ रही है। तो हम लोगों की एक मॉर्निंग हो गई है अभी। लो बांगे का शाम से काम देखते हैं, खाना पीना तो बस यही चलता रहता पूरे दिन। सुबह का खाना, फिर आराम, सुबह सुबह काम, शाम का खाना, ऑफिस, यही लाइफ है। तो अभी हम खाना खाने के बाद थोड़ी सी घूम खाना पचाने में थोड़ा खाना पच जाए, वरना ऐसे ही सो जाएंगे तो फिर जितना कम करते हैं उतना बढ़ जाएगा। मोटी हो जाएंगे। घूमने के बाद पहला दिन, चांद देख लो भाई कितना मस्त है आज। ये देखो मम्मी आगे चले जा रही हैं बेमतलब। ये देखो ये चांद है पर इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा। आई आई सी कर, अब तो पापा भी ऐसा चले गए। गलियारे में घूम रहे हैं और जा ही नहीं सकते, भूल जम गए, इसको दौड़ है ना। क्या क्या लिखा है, ब्लैक पिंक, ये मैंने लिखा। तो मैं फ्रेंड्स